महाविद्यालय में घुसा किंग कोबरा सांप। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में महाविद्यालय में घुसा किंग कोबरा सांप। साफ सफाई करने वाली किंग कोबरा सांप के जोड़े को देखकर हुई बेहोश। स्कूल में मची अफरा तफरी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के संतोषी स्मारक महाविद्यालय में किंग कोबरा सांप का जोड़ा घुस गया। विद्यालय में साफ सफाई कर रही महिला किंग कोबरा सांप के जोड़े को देखकर बेहोश हो गई। तो वहीं महाविद्यालय के प्रबंधक ने कोबरा सांप की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन दरोगा सुनील कुमार राजौरा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा सांप के जोड़े की महाविद्यालय में काफी तलाश की पर कोई सफलता नहीं मिली। मैं सुनील कुमार राजौरा वन दरोगा नगीना रेंज से जो है विद्यालय में सांप की सूचना मिली थी क्या मामला था? हाँ, ये अभी सूचना मिली थी फोन से जो है। हम लोग आए हैं ये और काफ़ी जो है तलाश किया लेकिन मिल नहीं पाया। अच्छा, बताया जा रहा है कि दो सांप। हाँ, सुनने में आया, बताया इन लोगों ने। अब दोबारा सूचना मिलेगी तो फिर आएंगे। बच्चों को उनसे कोई खतरा वतरा, कोई मतलब कौन सी प्रजाति के सांप हो सकते हैं? नहीं, जैसे इन्होंने बताया वो कोबरा प्रजाति के सांप हैं। अच्छा, और पेयर है। अच्छा, बता रहे हैं। आगे खतरा तो है ही। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर संदीप शर्मा। विद्यालय में आज सांप निकलने की सूचना थी, क्या मामला है वन विभाग की टीम? हाँ, अभी दो तीन दिन, पिछले दो तीन दिन से एक काला सांप फनेदार, लगभग 8 से 10 फीट लंबा और 4 से 5 इंच मोटाई का सांप यहाँ घूमता बार बार दिखाई दे रहा था। अच्छा। आज सुबह जब हमारे कर्मचारी यहाँ आए तो अंदर ऑफिस में सोफे पे दो सांप जोड़े से वहाँ बैठे हुए थे और अटखेलिया कर रहे थे। अभी वन विभाग की टीम को फोन किया तो वो उनकी बताने के हिसाब से बता रहे हैं कि वो कोबरा प्रजाति के दोनों सांप हैं और दोनों जोड़े से हैं। काफी तलाश किया, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए। वो सोफे में ही सारा उलट पलट के भी देख लिया लेकिन वो मिल नहीं पाए। और जैसा उन्हें बताया गया, वस्तु स्थिति के हिसाब से बता रहे हैं कि वो पीछे खिड़की है, खिड़की से शायद साथ निकल गए पीछे। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए विद्यालय? नहीं, यहाँ वैसे और जो दूसरे सुरक्षा उपाय हैं वो तो सारे हैं लेकिन सांपों के लिए तो कोई विशेष उपाय है नहीं। यही है, वन विभाग की टीम का जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उनका नंबर है, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो उनसे संपर्क कर लिया जाता। वो लोग जब भी खबर मिलती है तुरंत पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, अभी तक किसी को कोई वो नहीं है, केवल दिखाई दे रहे थे और गायब हो गया अचानक से। क्या